की सेटिंग कैसे करनी है पाइनियर। असल में दिक्कत ये है कि हम गाड़ी में अपने साउंड सिस्टम को अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन अपग्रेड करने के बाद महंगे महंगे सिस्टम लगा लेते हैं, उसके बाद भी जो परफॉर्मेंस है साउंड की वो नहीं आ पाती। ठीक है, मैंने एंड्रॉयड से पाइनियर में स्विच किया है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी साउंड ट्यून कैसे करनी है। जैसे कि पाइनियर काफ़ी हैवी ड्यूटी साउंड सिस्टम है कार्स के लिए। ये जो मेरे पास मॉडल है ये Z5290BT है, इसमें ब्लूटूथ और एंड्रॉयड कार प्ले और आई कार प्ले है। ठीक है, तो इसमें हम जाएंगे, इसमें काफ़ी सेटिंग्स हैं साउंड की। ये देखो, सबसे ऊपर है आपका इक्वलाइजर, जिसमें इसने ग्राफिक इक्वलाइजर, फेडर बैलेंस है, म्यूट लेवल, सोर्स लेवल एडजस्टर, ये सारी चीज़ें हैं। तो वन बाय वन हम सारी सेटिंग्स इसमें देखेंगे कौन सी सेटिंग किस काम की है और उसको ट्यून करना कैसे है। बैलेंस फेडर आपको पता ही है, चारों स्पीकरों में से किधर की साउंड ज़्यादा रखनी है उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सोर्स लेवल एडजस्टर, इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे आप नॉर्मल जो साउंड है वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए आप इसको पेन डाउन कर सकते हो। जैसे अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है इसके साथ, ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है, ना ही एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है, तो अभी जो करंट ये दिखा रहा है ये FM का एडजस्टर दिखा रहा है। यहाँ आपकी सेटिंग्स हैं सब ऊपर की, आप सब ऊपर को ऑन ऑफ कर सकते हो। स्पीकर लेवल, ये थोड़ा सा इसमें सबसे अच्छा फीचर जो कहेंगे हम यही है, आप इसमें जैसे चार गाड़ी में चार स्पीकर लगे हुए हैं, आप किसी पर्टिकुलर स्पीकर को कम dB पे बजाना चाहते हो कि उसकी आवाज़ फटे नहीं, छनके नहीं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, जैसे कि आगे में मेरे दो कंपोनेंट लगे हुए हैं DD ऑडियो के, तो उनको मैं फुल बेस पे चलाऊंगा। बेसिकली ये बेस के लिए होता है, अगर आपको किसी स्पीकर में से ज़्यादा बेस निकालना है तो उसके लिए है ये। मेरे पीछे एक एक्सल स्पीकर लगे हैं जिसमें से मैं ज़्यादा बेस नहीं निकालना चाहता, तो उनको मैंने -5 dB सेट किया हुआ है ताकि उनकी आवाज़ फटे नहीं। जो हैवी बास वाले होते हैं ये अपने गाने, उनमें आवाज़ फटे ना इसकी। सब ऊपर का भी मैंने -9 किया हुआ है कि थम साउंड अच्छा आए। ठीक है, और कंपोनेंटों को मैं फुल, जो पीछे से ओरिजिनल ट्रैक की जो है उसी पे बजे, तो उसको मैंने 0 सेट किया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है क्रॉसओवर सेटिंग्स, जो किसी को लोकल मार्केट में नहीं करनी आती। अगर तो आप कहीं अच्छी दुकान से स्किल्ड बंदे से लगवा रहे हो, उसको ही करनी आती है। नॉर्मल जो हम है ना नॉर्मल दुकानों से लगवा लेते हैं, उनको नहीं इसका पता होता कि कैसे लगानी है। तो इसमें पहले सेटिंग है सब ऊपर की, सब ऊपर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपका हैचबैक और सेडान में। ठीक है, जो आपको स्लोप रखना है ना, वो अगर तो आपकी हैचबैक है, हैचबैक में आप इसको -24 सेट कर सकते हो। ये आपकी फ्रिक्वेंसी और स्लोप dB, ये जो आपका मैनुअल है, जो भी आपने सबवूफर लगाया है, बेस ट्यूब है या आपका एनक्लोज़र लगाया है आपने एम्प के साथ, तो उसमें ये लिखा होता है कि आपको रेंज इसकी 12 से 24 तक सेट कर सकते हो या 12 से 18 तक कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी ये सेडान गाड़ी है, सेडान के हिसाब से मेरे को -12 degree ही कंपेटेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू माय कार। इसमें डीबी एडजस्ट करने से जो
नॉइज़ आती है या एक फ़िल्टर का काम होता है ये बेसिकली इसको एडजस्ट करने से। तो आप देख लीजिए फ्रिक्वेंसी आपको सेट करनी है 80, और अगर आपकी हैचबैक है तो -24, और अगर सेडान है तो -12। उसके बाद आ गया ये फ्रंट के जो मेरे हैं डीडी ऑडियो के कंपोनेंट्स रेडलाइन सीरीज, उसके मैनुअल के हिसाब से और जो मेरा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जैसे चला के देखे हैं, सेट करके देखे हैं, तो मैं 12 और 24 पे सेट कर सकता हूँ इनको। फ्रिक्वेंसी इसकी भी 80 रहेगी, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको सेट किया हुआ है -24 डिग्री, क्योंकि इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता आपकी हैचबैक है या आपकी सेडान है, ये आपके सीट्स के पास लगे होते हैं। तो हैचबैक और सेडान में ये फ़र्क है कि सेडान में जो आपकी एनक्लोज़र है या आपका साउंड बार है वो डिक्की में आ जाता है, जिससे बेस में थोड़ा अंतर आता है, उस वजह से उसमें हमको अलग अलग चूज़ करना पड़ता है स्लोप जो इसका है। और बैक के जो मेरे हैं वो हैं कोएक्सियल स्पीकर, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे मिड होते हैं, उसमें कोएक्सियल स्पीकर उतने अच्छे तरीके से आपकी हाइज और उनको नहीं टैकल कर पाते, तो उनको हम ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी पे नहीं चला सकते। तो उनके लिए हम इसको सेट करते हैं, जो हमारा HPF है वो है 160 हर्ट्ज़, ठीक है, ताकि उनकी जो क्लैरिटी है उन पर बर्डन ना पड़े, वो बिगड़े ना। और इसका जो स्लोप रहेगा वो रहेगा -18 डिग्री, ठीक है। तो ये सेटिंग आप करो अपने सिस्टम में, फिर आप डिफरेंस देखना। उसके बाद आ गई सबवूफर सेटिंग, ये वही है क्रॉसओवर के में जो थी, ठीक है। और इसके बाद जो है ये है लिसनिंग पोजीशन, ठीक है। आप अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, है ना, आप चाहते हो कि पीछे वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा ना वॉल्यूम ऊंची सुनाई दे, तो आप फ्रंट लेफ्ट राइट जैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। इसमें सबसे बढ़िया फीचर जो है वो है टाइम अलाइनमेंट, ठीक है। ये मैंने मेजरमेंट करके डिस्टेंस डाली हुई है कि जो मेरी लेफ्ट सीट है वहाँ से कितनी दूर है मेरा स्पीकर, ठीक है। ये अभी मैंने ऑन कर रखा है इसलिए ये ऑटो पे है, इसको ऑफ कर दूंगा तो मैं इसकी सेटिंग कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। बेस बूस्टर को आपने 0 पे रखना है, क्योंकि बेस बूस्टर करने के बाद ये आपकी आवाज़ फटने लग जाती है। लाउडनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना आपको लाउड बजाना है। ऑटोमेटिक लेवल कंट्रोलर मेरे को Mode 2 अच्छा लगा सुनने में, इसके पीछे क्या लॉजिक है जो वो मुझको भी मालूम नहीं है, ठीक है। ये दोनों का साउंड ड्राइवर Mode 2 जो साउंड आपको पाइनियर दे सकता है वो एंड्रॉयड नहीं दे सकता, इवन के सोनी भी इसको कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो टाइम अलाइनमेंट है इसका डेमो मैं आपको देता हूँ, एक इसको ऑन करने से और ऑफ करने से कितना का डिफरेंस आता है म्यूजिक में। इसमें टाइम अलाइनमेंट को ऑफ करने के बाद साउंड थोड़ी सी हार्श हो जाती है। हार्श मतलब वैसे नहीं है कि आपको कुछ
अलग से लगेगी, बट हाँ ऑन करने के बाद काफ़ी स्मूथ हो जाती है साउंड। आपने इसका देख लिया डिफरेंस दोनों का, मे भी इतना ना पता चला हो फ़ोन में कैमरे की वजह से। हाँ तो अब इसको करते हम इक्वलाइजर को सेट। जैसे ये जो इधर वाले जो तीन हैं, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो तीन हैं, ये आपके होते हैं तमक के लिए, बेस के लिए। और राइट वाले तीन जो हैं ये आपके होते हैं ट्रेबल के लिए, जो आपकी हाईज आ गई उसके लिए, ठीक है। तो इसकी आप जो सेटिंग है, मैंने ये सेटिंग रखी हुई है। बेसिकली मैंने जो बेस वाला है उसको मॉडिफाई किया है। आप इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इधर वाले बेस के लिए हैं, इधर वाले हाइज के लिए हैं, जो छन छन की आवाज़ आती है आपके कंपोनेंट वगैरह में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको आपका सिस्टम कैसे ट्यून करना है, ठीक है। बाकी एम्पलीफायर को ट्यून वगैरह करना है, उसके लिए आपको और वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। अगर उसके लिए भी हम एक एक्सप्लेन वीडियो डालेंगे इस पर।